शैली गुजरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अब हम जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए। चल मेट्रो से रही। हाँ ठीक है, स्वेटर लो पहनो। ना ना, स्वेटर गर्मी गर्मी लगेगी बाहर, घर में थोड़ी ठंड लगती है। हाँ अंदर कर रही हूँ इसे मैं। हम जा रहे हैं ऑटो से, क्योंकि मेट्रो से काफ़ी देर हो जाएगी। हमें अब कम देर से निकले हैं घर से, तो इसलिए हम जा रहे हैं ऑटो से। थोड़ी सी शॉपिंग हमने की है, सूट वगैरह लिए, और लेकिन मेट्रो पे इतना रश है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ऑटो वाला कोई जा नहीं रहा है यहाँ से, तो हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, सीमा ने ले लिए हैं 2-3 सूट, शादी की शॉपिंग इसकी हो गई है। दिखा दिखा दिखा, अरे एक महीने ले लिया है बस। हमारी मेट्रो आ गई है और हम जा रहे हैं अपने घर, और मेट्रो से बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हम। अरे थक गई बहुत ज़्यादा, सोती आज सुबह। सीमा चली गई सब्जी लेने के लिए। पहला मम्मी आ गई, पानी पीने बैठेगी। अभी हमारी हो रही है शादी की शॉपिंग, क्योंकि हमारे यहाँ क्लोज में शादी है, तो अभी से तैयारी करेंगे, अभी से शॉपिंग करेंगे, तो हमारी शॉपिंग खत्म होगी। और अभी तो वैसे टाइम है, पर लेकिन धीरे 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 करेंगे, क्योंकि आगे क्या है, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे होते हैं और सारा दिन काम करते करते जाता है, तो इसलिए हमने अभी 2-4 सूट लेके आए हैं। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है, सरप्राइज है। आज मैंने बनाई है बाजरे की रोटी, और इधर सीमा को खिला रही हूँ मैं बाजरे की रोटी और साग। और रोटी इतनी अच्छी बनी है क्योंकि आज हम मार्केट गए थे, मार्केट जाने के बाद आके साग बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो फिर भी खाती हूँ। खा ले, क्या हुआ, अच्छी लग रही हो, बहुत खा ले। अच्छा अभी जा रही है, शर्म, 2 रोटी खाई है, कह रही और नहीं खा रही, और नहीं खा रही, खा ले, बहुत अच्छी है, बस 3 खाई है, 3 खा ली। अच्छा अच्छा, 3 तो काफ़ी है बाजरे की रोटी। इतनी खुशबू आ रही है मक्खन की, देखो। हाँ हाँ, चलो तूने खाना नहीं खाया आज, है नहीं खाना खाया तूने आज, खाना खा चुकी है पहले। मार्केट में आने के बाद दिल नहीं करता ना खाना वाना बनाने का, तो फिर भी अपने लिए तो बनाना ही पड़ता है सभी के लिए। और साग में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, साग और बाजरे की बाहर का ही कुछ मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन नहीं, हम तो चाहे कितना भी थके हों लेकिन अपना घर का ही खाना बनाते हैं। और बच्चों को तो यही है, वकील साहब आज शादी में गए हुए, वो तो खाएंगे नहीं। और स्वाति के लिए मैंने करती है चावल फ्राई, साग कम पसंद है, मैं और सीमा हम 2 ही लोग खाने वाले थे, फिर भी हमने सोचा नहीं भाई बनाते हैं साग। और घर के खाने की तो बात ही अलग है, सारी अब थकी पड़ी हूँ बहुत पूरी तरह से, 10 बजने वाले हैं, और अभी दूध वगैरह कुछ नहीं किया, दूध गर्म करूँगी अभी, इस रात का सारा काम करेगी स्वाति, अब किचन विचन साफ़ करना है, बर्तन वगैरह वो सब स्वाति कर रही है, अब मेरा काम ख़त्म, अब मैं करूँगी रेस्ट। तो ओके बाय।